झारखंड में कल बहुमत परीक्षण का दिन है। चंपई सोरेन दावा कर रहे हैं कि उनके पास बहुमत है, मगर बीजेपी ये कह रही है कि झारखंड में भी अभी खेला हो सकता है, यानी खेला होना बाकी है। दोनों तरफ से बयानों के दौर हैं, सियासी शोर है। मैं चंपई सोरेन इस तरह की शपथ लेता हूँ कि मैं विजय द्वारा इस काफी भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। झारखंड में चंपई सोरेन के नेतृत्व में नई सरकार का गठन भले ही हो गया हो, लेकिन संकट के बादल अभी तक छटे नहीं हैं। एक और विधानसभा में बहुमत साबित करने की तैयारी हो रही है। हैदराबाद में ठहराए गए विधायक रांची पहुंच गए हैं, वहीं विधानसभा में फ्लोर टेस्ट से पहले झारखंड में विरोध के सुर भी उठने लगे हैं। ये साहिबगंज से JMM विधायक लोबिन हेम्ब्रम है, जिन्होंने एक सभा में झारखंड मुक्त मोर्चा से अलग होने की बात कहकर चौंका दिया। इतना ही नहीं, जमीन घोटाले के आरोपों पर पूर्व CM हेमंत सोरेन को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। आप चंपई सोरेन को देखेंगे, चंपई सोरेन को देखेंगे और हम विधानसभा में हमारा ये सब क्वेश्चन रहेगा और हम ये बात विधानसभा के अंदर भी बाहर भी हम बोलते रहेंगे। अभी हमने मंच में कहा ये चीज हम बोलते रहेंगे। जमीन घोटाले के मामले में सब कुछ कहना चाहेंगे आप? जमीन घोटाला तो इतना घोटाला हुआ है, यहाँ आप लोग देख रहे हैं ना, यहाँ IAS लोग फंस रहे हैं। झारखंड बचाओ मोर्चा के बैनर तले विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने जमकर ब्लास्ट डाले और अपनी ही पार्टी पर खूब बरसे। हालांकि बयान पर सियासत हुई तो उन्होंने फ्लोर टेस्ट में चंपई सोरेन के समर्थन का ऐलान कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी ने जो शपथ लिया है तो मैं खुश हूँ और बाय तहे दिल से इनको मैं समर्थन दे रहा हूँ। विरोध के ऐसे सुर, विधायकों को एकजुट रखने की कोशिश हो रही है, क्योंकि बीजेपी लगातार इस बात का दावा करती रही है कि चंपई सोरेन के CM बनने के बाद भी JMM और गठबंधन सरकार में सब कुछ सही नहीं है। जिस प्रकार से अफरा तफरी सत्तारूढ़ दल के गठबंधनों का हो रहा है, इससे साफ संकेत है कि वहाँ सब कुछ ठीक नहीं है, ना दल में ठीक है, ना गठबंधन में ठीक है, ना सोरेन परिवार में ठीक। हालांकि JMM ऐसे दावों को बेबुनियाद बता रही है, नंबर गेम में सरकार को सुरक्षित बता रही है। चंपई सोरेन पहले ही 43 विधायकों के समर्थन का पत्र राज्यपाल को सौंप चुके हैं। झारखंड प्रदेश बहुत सा उथल पुथल विपक्ष की ओर से जो झूठ प्रचार आज झारखंड को अस्थिर करने का जो उन लोग का प्रयास रहा विपक्ष का, वो आज हमारा गठबंधन का शक्ति सफल नहीं होने दिया। बहरहाल महागठबंधन सरकार के विधायक अब रांची पहुंच चुके हैं, सरकार को विधानसभा में शक्ति प्रदर्शन करना है। हालांकि उससे पहले ऐसी तैयारी को देखते हुए सवाल उठ रहे हैं कि क्या झारखंड के सियासी झगड़े में अभी गेम ओवर नहीं हुआ है। सत्ता पक्ष के विधायकों के रांची पहुंचने के बाद भी तमाम दावों तमाम अटकलों का दौर चल रहा है, जो झारखंड के सियासी ताप को बढ़ा रहा है। रांची से सत्यजीत कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।